जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जिसमें सदर ममनून हुसैन, वजीर आजम नवाज शरीफ, विफाकी काबीना के अरकान, कायदे हिजब इख्तलाफ खुर्शीद शाह और आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने भी शिरकत की। इसके अलावा हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, कौमी असम्बली के स्पीकर वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और हाई कोर्ट के जजेस भी शरीक हुए। हल्फ उठाने के बाद नए चीफ जस्टिस ने सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात की समाअत के लिए 6 बेंच तश्कील दिए हैं। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में जस्टिस एजाज अहमद चौधरी और जस्टिस शेख अजमत सईद शामिल हैं। बेंच नंबर 2 में जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान शामिल हैं। बेंच नंबर 3 जस्टिस जवाद अस्फाजा और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर मुश्तमिल होगा, जबकि जस्टिस अनवर जहीर जमाली, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मुशीर आलम बेंच नंबर 4 का हिस्सा होंगे। 5वें बेंच में जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी शामिल हैं, जबकि 6ठा बेंच जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस एजाज अफजल खान पर मुश्तमिल होगा।